कारण तो कोई नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी थोड़ी सी दुआ दरूद हो जाती है, फाता पढ़ लेते हैं, उन पर अगरबत्ती वगैरह यहाँ लगा जाते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि हम अपने बड़े बूढ़ों के पास आए मिलने, उसके बाद फिर घर जाते हैं, दुआ फाता पढ़ने के लिए आते हैं। तो मानते हैं कि जिस तरह से आप यहाँ आते हैं उन्हें ईदी देने के लिए आप आते हैं? हाँ, वो कुछ भी समझ लो, जैसे कि खुशी होती है तो आदमी जो है भगवान से मिलने जाता है, नवाज, जैसे कि अब हमने नवाज पढ़ी ऊपर वाले के लिए, ऐसे ही हम इनसे मिलने के लिए और दुआ फाता पढ़ने के लिए आ गए इनके लिए भी कि हाँ हमारे ये भी चाहने वाले हैं, थोड़ा सा याद रहे कि हमारे बड़े बूढ़े थे। मोहम्मद जी, अलीम जी, आज आपने ईद उल फितर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने की वजह, घर जाने की वजह आप यहाँ कब्रिस्तान आए हैं, क्या वजह है, क्यों आए हैं? कुछ नहीं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, उनके पास में आना पड़ता है हर साल के साल, जैसे नमाज पढ़ो रोजे रखते हैं, उसके बाद में नमाज पढ़ते हैं ईद की, उसके बाद बड़े बूढ़ों को याद करने के लिए चले आते हैं, तो इन्हें ईदी देने आते हैं हम लोग।